क्या आप चाहेंगी कि देश की बेटी कहे जाने वाली फोगाट को वो अपील करें अपने लिए और नामांकन अपना जो नाम है उसको वापस लें, क्योंकि आपको जिस तरीके से देश ने जिताया है आप चाहेंगी कि हरियाणा में आप जीतें? नहीं बिल्कुल, हम मेहनत कर रहे हैं, हम किसी से ऐसे अपील तो नहीं करेंगे, सबने मेहनत कर रखी, सबका अपना अधिकार है लड़ने का और हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपने लोगों से अपील करेंगे और हम सबके बीच में जा रहे हैं, हमें अपनी ईमानदारी पर सच्चाई पर पूरा भरोसा है कि लोग हमारा साथ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, आज क्योंकि मुख्यमंत्री ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, जब आएंगे तो आपके आप क्या उनको संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वही बेटी हैं इस देश की जो दिल्ली के जंतर मंतर पे थी, आपको आपके साथ प्रधानमंत्री ने वक्त बिताया, आपको बुलाया जब आप जीत के आए, आप चाहेंगी कि आप यहाँ से उनको कोई संदेश दें? नहीं, मैं क्या, प्रधानमंत्री आएंगे वो संदेश दें तो मतलब वो आएंगे तो वो उनको संदेश देना होगा ना, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ उनको, मेरा कोई संदेश नहीं है। क्या उम्मीद करती है? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद जब थी जब तो पूरी नहीं हुई, अब क्या उम्मीद करें, अब हमें जिस पार्टी में हम आए हैं उस पार्टी से हमें उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पे भी हमें खरा उतरना है। आप क्योंकि महिला है मैम, हर बार ये होता है कि जो महिला उम्मीदवार होती है उस गांव की महिलाओं की बेटियों की और राज्य की बेटियों को माओं को उम्मीद होती है कि आप कुछ कर दिखाएंगे, हम क्या ऐसा उम्मीद करें कि आपके आपने क्या विचार आपने सोचा है, क्योंकि आप यंग? देखिए मैं इनके बीच में हूँ, इतना मैंने संघर्ष किया है, मेरे को काफी बच्चियां एडमायर कर रही हैं, मिल रही हैं, एक उम्मीद और आस से देख रही हैं, वो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे को पॉजिटिविटी वहां से मिल रही है और काफी चीजें हैं अपने लड़कियों के लिए करने के लिए। अभी आज मैं कॉलेज की लड़कियां थी, खड़ी हुई थी जाने के लिए कॉलेज में, जब उनके इनसे मिली मैं तो बस उनका पढ़ाई को लेके है कि कॉलेज के लिए बस की व्यवस्था नहीं है, या अगर वो किसी जॉब की तैयारी करे तो स्टेडियम नहीं है रनिंग के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए, तो काफी कुछ चीजें हैं। सुरक्षा का बहुत बड़ा एक सवाल है क्योंकि हम तो इस चीज से निकल के आए हैं, तो बहुत चीजें हैं जो हमें करनी है और बिल्कुल हम सभी को आश्वासन देते हैं, सभी को आश्वस्त करते हैं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी और तो उसमें उनको जो हमें फील हुआ या जो जिस चीज से हम गुजरे हम उनको बस विश्वास दिला सकते हैं कि उस चीज से उस दौर से आप कभी नहीं गुजरेंगे।